हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखा था, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन भर्ती जो भी आपका इसके बारे में नोटिस निकली है, ठीक है, जल्दी आपको इस पर भर्ती देखने को मिल सकता है। तो इसका हम यहाँ पर जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे, इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हुआ था, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। काफ़ी अच्छा अच्छा इसमें क्वेश्चन हमने लिया है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उस पर पैटर्न पर ही है, ठीक है, उससे थोड़ा सा भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है उसको, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया कि कवक की कोषाभित्ति किससे बनी होती है, ठीक है, ये बायो का क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो क्या होगा, कवक की जो कोषाभित्ति होती है किसकी बनी होती है, ये आपकी बनी होती है काइटिन की, ठीक है, काइटिन की बनी होती है कवक की जो इसकी जो कोषाभित्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की बनी होती है। और एकाध चीज़ ये होता है कि कवक में जो संचित भोजन होता है, अगर इसकी बात करें संचित भोजन, ठीक है, संचित भोजन ये किसके, ग्लाइकोजन के रूप में होती है, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये इसका आंसर था। अगला है इसका कि कवक की जो यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो इसका अध्ययन, ठीक है, अध्ययन जो किया जाता है ये किस में किया जाता है, जो अध्ययन होता है ये माइकोलॉजी में के द्वारा, माइकोलॉजी के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है, इसका अध्ययन माइकोलॉजी के द्वारा, ठीक है, माइकोलॉजी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये था इसके संचित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसका अध्ययन माइकोलॉजी के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो इसकी कोशा भित्ति होती है, सॉरी इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी काइटिन की बनी होती है। तो ये सब सारे आपके पॉइंट्स थे कवक के बारे में, तो इसको भी याद रखेंगे। ये भी आपके एग्जाम में यहाँ पे कि कवक का अध्ययन किसके किया जाता है, तो माइकोलॉजी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ये भी आपका बायो का ही क्वेश्चन है। कह रहा है गुणसूत्र में क्रोमोटेट्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर, इसका क्या नाम है, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सेंट्रोमियर हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं कितने भाग से मिलकर बने होते हैं, 3 भाग से। अगर यहाँ पे जो भाग है कितने भाग से, तो ये भाग आपके 3 भाग हो गए। जो पहला आपका भाग होता है ये होता है, ठीक है, ये होता है पेलिकस, ठीक है, ये आपका पेलिकस होता है। दूसरा होता है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स होता है। और तीसरा जो आपका होता है यहाँ पे, जो तीसरा होता है इसको बोलता है क्रोमोटिट्स, ठीक है, क्रोमोटिट्स इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रोमोटिट्स इसको बोलते हैं। तो ये आपका 3 भाग से मिलकर बना होता है आपका गुणसूत्र, जो ये आपका गुणसूत्र है ये आपका 3 भाग से मिलकर बना होता है, पेलिकस से, मैट्रिक्स और क्रोमोटिट्स, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे ये भी आपका इंपॉर्टेंट था गुणसूत्र के बारे में। तो जो क्रोमोटिट्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम है आपको सेंट्रोमियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे यौगिक की बात कर रहा। तो अगर आप इस ऑप्शन में देखें यहाँ पे, तो डोलोमाइट है, हीरा है, संगमरमर है, चौक है। तो इसमें क्या है, जो हीरा है आपका ये कार्बन का यौगिक नहीं होता है, ये अपरूप होते हैं, ठीक है, एलोट्रॉप होते हैं, यौगिक नहीं होता है, ये आपके अपरूप होते हैं, ठीक है, एलोट्रॉप होते हैं इसको, ठीक है। और इसके साथ में एक हीरा हो जाएगा और एक आपका और होता है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। तो ये आपके क्या होते हैं, ये दोनों आपके हीरा और यहाँ पे हीरा और क्या आपके ग्रेफाइट, ये क्या होंगे आपके दोनों, ये क्या होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीरा है और ये ग्रेफाइट है, ये दोनों आपके अपरूप होते हैं। ये जो हीरा होता है ये ताप और विद्युत, ताप व विद्युत के क्या होते हैं, ठीक है, ताप व विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, कुचालक, ठीक है, ताप और विद्युत के कुचालक होता है। जबकि ये विद्युत जो आपका ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो इसको भी याद रखेंगे यहाँ पे, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट और हीरा क्या होता है, ताप और विद्युत के कुचालक होता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ था कि हीरा के बारे में कि ये क्या होते हैं, ये आपके यौगिक नहीं होते हैं, घी, और यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, इसको याद रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनमें से कौन यौगिक नहीं है। अगला देखिए
यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है, ठीक है। तो पिछले जो हम क्लास लिए थे सेकेंड क्लास में, उसमें इसको बताए थे, ठीक है। घूम फिर के क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अलग अलग तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, अगर यहाँ पे देखें यांत्रिक ऊर्जा, तो ये आपका क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये आपके काइनेटिक एनर्जी मीन्स यहाँ पे गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये होता है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा ये होता है, तो इस ये होता है आपका ये स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस एम जी एच, ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम देख चुके हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को लेकर ही चलेंगे, ठीक। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको लेकर चलेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर जो आपके काइनेटिक यहाँ पे है, काइनेटिक एनर्जी, इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है, उसको भी देखेंगे। इस पर आपका भी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है, ठीक है। तो जो ध्वनि होता है, ठीक है, तो ये किस माध्यम से नहीं गुजर सकता है, तो निर्वात में, ठीक है। निर्वात में ये नहीं गुजर सकता है, वैक्यूम जो होता है, ठीक है, निर्वात में। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ देखिए वैक्यूम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में, ठीक है। और ध्वनि सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पे इसकी बात करें, इस ध्वनि की, तो सबसे ज़्यादा इसका वेग किस में होता है। अगर ज़्यादा वेग की बात करें, यहाँ पे ये भी पूछता है कि ज़्यादा वेग, ठीक है, तो ये आपका किस में होता है, ठोस में, ठीक है। और यहाँ पे कम वेग, ठीक है, ध्वनि की जो कम वेग है किस में होता है, ये आपकी गैस में होती है, ठीक है। और ध्वनि का जो मापन होता है, मापन किस में होता है, तो डेसिबल में होता है, ठीक है, डेसिबल में इसका मापन होता है, ठीक है। तो ये इस कुछ पॉइंट थे यहाँ पे, ठीक है। और ध्वनि की जो आपकी यहाँ पे जो आपके कह रहा है कि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती, तो आपके वैक्यूम निर्वात में, ठीक है। तो ध्वनि के लिए माध्यम का होना आवश्यक होता है, इसको भी याद रखेंगे कि माध्यम का होना आवश्यक है, ठीक है। वही आपका जो प्रकाश है, लाइट है, वो आपके निर्वात में गमन कर सकती है, ठीक है। लाइट प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकती है, जबकि ध्वनि नहीं कर सकती है। तो ये कुछ था आपके ध्वनि के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, ये कह रहा है कि इतना मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन मीन्स क्या है, एच प्लस, ठीक है, ये एच प्लस इतना, ठीक है, सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच स्तर होगा, ठीक है। तो पीएच क्या होता है, यहाँ पे पीएच की बात करें तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये एच प्लस। तो फिर यहाँ पे पी एच निकालेंगे, ये माइनस है, और एच प्लस की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया, 1 × 10⁻⁵ दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे जो पी एच निकल के आएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये इसके बीच में लिया जाएगा लॉग, लॉग लग जाएगा, यानी कि 1 × 10⁻⁵। अब देखिए इसको लॉग को सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का 5 बाहर इधर आ जाएगा, आगे आ जाता है, ठीक है। जब भी आप लॉग लगाए होंगे तो इससे आता है, ये माइनस है और फिर ये माइनस 5 है, और ये हो जाएगा आपका 1 × 10, यानी कि लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से पी एच क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है, पी एच प्लस का 5 आ जाता है, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पी एच को सॉल्व, लॉग के जो आपका जो यहाँ पे कैलकुलेशन है सॉल्व करके, और पी एच का वैल्यू यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं, पी एच कितना होगा, इतना मोल प्रति लीटर देता है, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत बार हम इसका इस तरह क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, आपके लिए फिर से हम बता देंगे, ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, पी एच का वैल्यू यहाँ पे माइनस एच प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कह रहा है। पी एच हो जाएगा किसके बराबर, 1 × −1 × 10⁻⁵। पी एच हो जाएगा माइनस लॉग 1 × 10⁻⁵। पी एच हो जाएगा, यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा पी एच माइनस का, ये हो जाएगा लॉग, और 1 × 10⁻⁵, ये इसके आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और फिर माइनस 5, और ये हो जाएगा लॉग 10, ठीक है, लॉग 10, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन है।
तो पांच आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, पीएच का स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, देखिए कार्बन की जो है आपका C12 यानी कार्बन आपका 12 यहाँ पे दिया गया, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये होता है 6.02 × 10³। ठीक है, ये कितना होता है एक मोल में परमाणु। ठीक है, एक मोल में इसका परमाणु की संख्या इतनी होती है। ठीक है, ये होता है 6.02 × 10³ होता है। इसी तरह से आपको बेसिक क्वेश्चन पूछता है इसका, इसको कहते हैं एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या इसको कहते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, एक पूछ देगा एवोगैड्रो संख्या इनमें से कौन है। तो इसी तरह का आपका जो है नंबरिंग दिया, जैसे कि यहाँ पे यह दिया गया है 26 23, यहाँ पे देखिए 10^20 हो जाएगा, ये आपका 26 है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको याद रखेंगे, एवोगैड्रो संख्या 6.02 × 10³ होता है। अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया कि यदि डोबेरांग की ट्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और क्या है एंटीमनी है। ठीक है, तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे फास्फोरस ग्रुप होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, तो ये आपको कह रहा है ये पहला सदस्य है, ये आपका क्या है ये तीसरा सदस्य है। ठीक है, ये आपका कह रहा है कि ये तीसरा सदस्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा। तो उसमें होता ये है कि इसका जो परमाणु भार होता है, ठीक है, इस पहले का जो परमाणु भार है और तीसरे का जो परमाणु भार है, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, दोनों को परमाणु भार को ऐड करके और उसका 2 करेंगे, तो उसका आपका क्या हो जाएगा दूसरे का परमाणु भार निकल के आ जाता है। ठीक है, डोबेरांग के जो ट्रिक का जो जो नियम है ये यही कहलाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, अगर आप देखें इसका फास्फोरस का, तो फास्फोरस का परमाणु भार कितना होता है 30.0, ये होता है 974। एंटीमनी का क्या होता है, ये होता है 121.76 के करीब होता है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले तो आप ऐड करिए, तो इसका जब ऐड करेंगे 121.76 और ये है आपका 30.0, ये 974, तो ये हो जाएगा 4, ये 13 3 1 8 9, ठीक है 17, ठीक है 7 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका, ये इसको जब ऐड करेंगे तो 152.734 बाई इसका करेंगे 2। ठीक है, तो 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 214 2 6 12.7, ये 2 3 यहाँ पे 6 2 1 2 और 2 7 14, यानी कि यह 76.317। ठीक है, ये आ जाएगा, ये किसका होता है आर्सेनी का होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आर्सेनी का होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आर्सेनी का निकल, ये आपका किसका होता है, ये आपका आर्सेनी का होता है 76 पॉइंट। तो इसी तरह से आपको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आर्सेनिक है ये आपका, ठीक है ए एस, तो यहाँ पे इतना निकल का, तो ये आपका तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन था। ठीक है, कि आपका जो पहले वाला जो एलिमेंट है और तीसरा वाला जो एलिमेंट है, इन तीनों के एलिमेंट को क्या करेंगे, इसका जो परमाणु भार है उसको जोड़ेंगे। ठीक है, और उसका आधा कर देंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, तो इसका आधा करेंगे तो दूसरे वाले के निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है CaOCl2। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसको करते हैं कीटाणु रहित करने के लिए, यहाँ पे किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, वाट होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे हॉर्स पावर तो 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, एक हॉर्स पावर 1 HP इसको दिखाते हैं ये कितना 746। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन को बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन देखेंगे, जो भी हम इसमें करा रहे हैं प्रैक्टिस सीट, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप जो है अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। ये था अगला, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कहा गया है कि अस्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि, ठीक है, और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल है, यानी कि कह रहा है कि मूल ध्वनि, ठीक है, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि, ठीक है, इनके बीच का जो समय अंतराल है, इनके बीच का ये कितना होना चाहिए 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए। होता यह है कि जब भी इस तरह के ध्वनि जो भी हमारे मस्तिष्क स्वर आती है, ठीक है, जो हमारी ध्वनि होती है मस्तिष्क में आती है, तो कितने समय तक रहती है, ये होता है 0.1 सेकेंड तक हमारे मस्तिष्क में रहती है जो भी जो आपकी ध्वनि आती है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी यहाँ पे ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है। ठीक है, दो या दो तत्वों के योग, जो तत्वों के योग से जो बनता है ये आपका यौगिक बनता है, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड बनता है, इसको याद रखेंगे, कंपाउंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे और इसका जो मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक ये क्या होता है आपका, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसको भी याद रखें, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और इसको ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित नियम में किसने प्रदान किया था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों की आवधिक गुणधर्म है, किसने किया था, तो ये थे मेंडलीव ने। ठीक है, मेंडलीव ने इसको किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीव। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया कि बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है। ठीक है, तो बल क्या होता है, बल का होता है एफ को रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान होता है एम इंटू ए होता है। ठीक है, एम इंटू ए के बराबर होता है यहाँ पे एम इंटू ए, ये आपका द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, अगर मात्रक की बात करें तो ये होता है किलोग्राम। ठीक है, मात्रक किलोग्राम, ये आपका क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको कई जगह मीटर सेकेंड माइनस दो इस तरह से दिखाते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वी बाई टी, ये होता है त्वरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाता है। मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका किलोग्राम होगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कारणों में से कौन सा चालक विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो क्या करता है आपका, ये होता है सेल या बैटरी। जो सेल या बैटरी होता है ये इसका क्या करता है, विभवांतर को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में सेल या बैटरी यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखें, अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, स्वैच्छिक क्रिया इनमें से नहीं है। देखिए दो तरह की क्रियाएँ होती हैं, स्वैच्छिक और अनैच्छिक। स्वैच्छिक क्या होती हैं, जो हम खुद से चाहते हैं वो आपका, मतलब अपने ओर से चाहेंगे वो आपका क्या होगा, स्वैच्छिक क्रिया होगा। लेकिन जो हमसे जो मतलब जो हमारी जो मस्तिष्क नियंत्रण करती है, तो आपके अनैच्छिक क्रिया, जैसे दिल की धड़कन है ये अपने आप धड़कती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अगर आप देखें ऑप्शन नंबर बी में कि दिल की धड़कन ये क्या है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, अनैच्छिक। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रिया जो अपने आप होती हैं, स्वैच्छिक होती हैं, हमारी मस्तिष्क इसको जो नियंत्रण करती है। ठीक है, बाकी ये सब स्वैच्छिक क्रिया में आती हैं, जो भी आपके यहाँ पे है। एक वस्तु को ले रहे हैं हम अपने मर्जी से करते हैं, इसको भी अपने मर्जी से करते हैं, इसको भी अपने मर्जी से करते हैं, जो हमारी मर्जी से ना हो वो अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। अगला है आपका कि कार्बन के निम्न अपरूपों में से निम्न विज्ञान ऑप्शन के एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो कोक का किया जाता है। ठीक है, कोक का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।